दत्तात्रेय नमः ओम 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 दत्तात्रेय नमः नारायण दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः नारायण नारायण ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नारायण दत्तात्रेय नमः नारायण नारायण। क्या परमवीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर नारद के आगमन से प्रसन्न नहीं है? देवर्षि, क्या किसी की तपस्या में बाधा पहुंचाने से उसकी तपस्या खंडित नहीं हो जाती? नारायण नारायण, तपस्या का खंडित होना बाधा पहुंचाने वाले पर नहीं अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है। यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कृपा करके शीघ्र ये बताएं कि आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है? कृपया आप अधीर ना हो राजन, नारद का आगमन मंगल का प्रतीक माना जाता है। देवर्षि, तपस्या में संलग्न मेरा मन पुनः तपस्या रस होने को अधीर हो रहा है। आप कृपा करके अपने आगमन का उद्देश्य बताएं। राजन, राजा का कार्य तपस्या करना नहीं है, फिर भी आप तपस्यारत हैं। आपकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? कहीं आप स्वर्गाधिपति बनने की कामना तो नहीं कर रहे हैं? नारायण नारायण। देवर्षि, त्रेता युग में जन्मे मनुष्य के लिए स्वर्गाधिपति बनने की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि यह असंभव है। ऐसा न कहें राजन, परमात्मा ने मनुष्य को अपरिमित क्षमताएं प्रदान की है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देवर्षि, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार भगवान दत्तात्रेय की अखंड तपस्या इसी अभिलाषा से कर रहा हूँ कि वे मुझे अपूर्व शक्ति तथा सहस्त्र बाहुओं का बल प्रदान करें। नारायण नारायण। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है। अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन। अर्थात? अर्थात ये, मैं यहाँ अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूँ, देवराज इंद्र की नहीं। आपकी तपस्या सफल हो। नारायण नारायण। दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः। दत्तात्रेय के चरणों में नारद का सादर प्रणाम। प्रभु, है वंशीय क्षत्रिय राजा कार्तवीर आपकी कठोर तपस्या कर रहा है। हमें ज्ञात है नारद, त्रिदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न एवं भगवान श्रीहरि विष्णु के अंशावतार भगवान दत्तात्रेय को तो ये ज्ञात होगा ही कि परमवीर राजा कार्तवीर के मन में क्या है। क्या वो सत्य ही अपूर्व शक्ति एवं सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है? देवर्षि नारद, आप ये सब ज्ञात करने के इच्छुक क्यों हैं? अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा के समाधान के लिए भगवान, और यही उत्तर मैंने कार्तवीर के प्रश्नों का दिया था। क्या ये सत्य नहीं देवर्षि
क्या आप कार्तिवीर के भविष्य से जुड़ी हुई घटनाओं का आभास अभी प्राप्त कर लेने की अभिलाषा लेकर ही यहाँ उपस्थित हुए हैं? देवर्षि नारद, इस समय हम मात्र इतना ही बता सकते हैं कि वरदान प्राप्त करने के उपरांत कार्तिवीर्य अहंकारी हो जाएगा और अहंकार का प्रतिफल कभी भी शुभ नहीं होता। अर्थात कार्तिवीर्य की तपस्या सफल होगी, वो आपसे वरदान अवश्य प्राप्त करेगा। अवश्य। ये ज्ञात होने पर भी कि वरदानी शक्ति प्राप्त होने के पश्चात वो अहंकारी हो जाएगा, अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्य विषय है। जब अहंकार सामने आएगा तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, कारण कि अहंकार तो श्री भगवान का भोजन है। भगवान दत्तात्रेय, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ, अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। भगवान दत्तात्रेय के मुख से गूंज रही थी। उधर भगवान दत्तात्रेय के नाम का स्मरण परम वीर क्षत्रिय राजा कार्तवीर सहस्त्र बाहुओं का बल प्राप्त करने के लिए कर रहा था। दूसरी ओर एक महान पराक्रमी तेजस्वी ओजस्वी वीर योद्धा अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चरणों में झुकाने का इच्छुक था। महापराक्रमी बाहुबली और दिग्गज योद्धा जिसके संकेत मात्र पर वायु अपनी दिशा बदल देती है, पर्वत मार्ग छोड़ देते हैं, सागर काई की तरह फट जाता है, अग्नि अपनी प्रचंडता छोड़कर शीतल हो जाती है, आज अपने अश्व पर बैठकर तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कौन है ये? मैं हूँ महाबली रावण। रावण 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 रावण, अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे। अब तुम मेरी दास्ता स्वीकार करते हो अथवा नहीं, बोलो। स्वीकार है, स्वीकार है। केक्षी पुत्र रावण की जय। स्वामी रावण की जय हो, जय हो, जय हो। रावण की श्रेष्ठ, आप तो सिंह का अखेट करने गए थे। मेरे एक ही प्रहार से वो वनराज सिंह रक्त वमन करता मृत्यु को प्राप्त हो गया, इसलिए आज आखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं हुआ अनुज कुंभकर्ण। और ये लोग, ये
ये ग्रामवासी हमारे सेवक है मध्यम। हमारी शक्ति से भयभीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्वीकार की है। आज मनुष्य को अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आज से मैं प्रण करता हूँ कि निरीह पशुओं के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा। तो अब आप मनुष्यों का खेड करेंगे। चलो मध्यम, चलो अपने दासों के साथ माता के समीप चलते हैं। चलो जय जयकार करो महाबली रावण की। लगता है ज्येष्ठ आ गए। मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता रावण कोई जन कल्याण अथवा लोकहित का कार्य करके नहीं आ रहा है, अपितु निरीह मनुष्यों और मूक पशुओं का निर्ममता से रक्त बहा कर आ रहा है। उसका तो सर्वत्र तिरस्कार होना चाहिए। महाबली रावण की। वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ लें कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो। जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचरवा के पुत्र होकर भी तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहाँ गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहाँ गए तुम्हारे वो संस्कार? कहाँ गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया, परंतु ये न भूलो कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो केकसी। तो इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के, ये केकसी के पुत्र हैं केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया। केकसी,
नहीं ऋषिवर नहीं, मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्वविजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा, उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा, तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। विभीषण, क्या तुम अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज,